वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुमामीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुमामीन। मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें। और सुनाए कैसी गुजर रही है सबकी ठंड? तो वाकई जी बहुत हुई हुई है ठंड का, तो मैं कहती हूँ कुछ पूछो ही ना तो बेहतर है। तो मैंने बस अभी कुछ बर्तन जो थे वो डिश वॉशर्स में से निकाले हैं, कुछ अभी धोने वाले पड़े हैं तो इनको ड्राई करके पहले रख दूंगी, तो फिर जो है वो दूसरे धोने हैं। दूसरे धोने इसलिए है कि सब माशाल्लाह आज पूरी फैमिली माशाल्लाह इकट्ठी थी, ईमान माशाल्लाह से वीकेंड के लिए घर आई थी, तो माशाल्लाह रौनक लगी हुई है घर में। बेटियाँ माशाल्लाह घर की रौनक होती हैं, मेरे तो घर की रौनक माशाल्लाह मेरी बेटी है। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी करे, अल्लाह इनको बहुत 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 अपने इनकी जिंदगियों में, अपने घरों के भी रंग पाक लगाए, इनकी आने वाली जिंदगियां इनकी किस्मत अच्छी करे, बस ये दुआ होनी चाहिए बेटियों के लिए। और मेरे ख्याल से हर घर की रौनक होती ही बेटियों से, हर घर की। जब हम थे अपने अब्बू के घर तो मेरे अब्बू भी यही कहा करते थे, मेरे घर की रौनक मेरी बेटियां। और अब मैं भी यही कहती हूँ, मेरे घर की रौनक मेरी बेटियां। तो बस अभी माशाल्लाह सारे अंदर बैठे, मैं भी अंदर ही बैठ गई थी नाश्ता करके, बर्तन देख ले वहीं के वहीं है। कल रात से माशाल्लाह अमर 5:30-6:30 बजे ये घर आ गए थे, अमर काम से जॉब से, फिर सीधे ही चले गए थे ईमान को लेने, फिर पता ट्रैफिक रास्ता, 5:30-5 बजे के गए हुए थे, फिर 7:45 बजे ये लोग घर आए हैं। तो कितना टाइम लग जाता है, 40-45 मिनट आने जाने में, जाने में 40-40 आने में, तो इतना रास्ते में लग जाता है। तो 2-2.5 घंटे तो समझो रास्ते में गए अगर एक दिन में आना जाना हो तो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से घर में इतनी माशाल्लाह से पूरे घर में जान आई हुई है, क्योंकि एक बच्चा होता है ना जो घर में बस शोर हल्ला गुल्ला करता है, तो वो ईमान, हर किसी के साथ बोलना, बात करना, चुप करके ना बैठना, वो है माशाल्लाह से घर में। तो बस मैंने फिर नाश्ते से भी पहले मैंने पता क्या किया, मैंने ना नान के लिए आटा गूंदा सबसे पहले उठ के, नाश्ते से भी पहले माशाल्लाह से घर में। तो वो तकरीबन राइस हो रहा है, इसको मैंने वैसे ही साइड पे रखा हुआ है, पीछे आपको प्लेन फ्लावर नजर भी आ रहा है। तो नाश्ता सबको करवा के तो अभी मैं जाके आधा घंटा अंदर मैं भी बैठ गई कि चलो चाय स्पून से सबके साथ पी लूँ। तो अभी हसनैन को लगी थी भूख क्योंकि उसका लंच का टाइम हो गया था, ओवन को ऑन कर दिया और उसका लंच रखती हूँ, कहते हैं वाफल और फिश फिंगर्स, तो वो रख देती हूँ। और उसके बाद आपसे करती हूँ बात, फिश फिंगर रख देती हूँ, ऐसे ही फ्रीजर में चली जाएगी ये चीज़ें। तो बस नैन के लिए फिश फिंगर और वाफर, इसके लंच के लिए ओवन में जाएगा, आगे खड़ा होगा तो ये इसका लंच हो गया, ये जाएगा ओवन में, 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैं वापस रख के आती हूँ, इतनी देर आपसे करती हूँ बातें। अच्छा, मुझे ना आपसे करनी है एक बहुत ही खास और स्पेशल बात, तो वो आपसे करती हूँ, ठहर जाए एक मिनट, इतने ही रुको, नसना नहीं कितने भी, ना किधरे जाना है, ना नसना है, ना मुसना है, इतने ही खड़े रहना। तो बात आप लोगों से मैंने यही करनी थी, एक है बेटी हाजरा, उनके चैनल का नाम, उनके चैनल का जो है लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पे आज शेयर करूंगी। तो वो बच्ची जो है वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, चैनल का नाम भी मेरे ख्याल से हाजरा लाइफ ही है। तो उसकी मम मुझे मैसेज अक्सर करती थी, हाजरा ने ये किया, हाजरा ने आपकी वीडियो देखी, पर वो जब मैंने कल उसकी मम ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने कल उसकी वीडियो देखी, वो बच्ची बोल नहीं सकती, वो बच्ची सुन नहीं सकती, वो सिर्फ देखती है। तो मुझे बहुत फील हुआ कि उसकी मम ने चैनल बनाया, तो प्लीज़ उनको भी जाके उनका साथ दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो उनको साथ दीजिएगा। उन मम ने कुछ सोच के ही हाजरा की माँ ने भी चैनल बनाया होगा, अपने बच्चों का साथ देने के लिए उन्होंने बनाया होगा। तो हाजरा की वीडियोस को भी जाके देखे, कल मैं देख रही थी वो कैसे इशारों से अपने बहन भाइयों से, माँ से बात करती है, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको ज़रूरत होती है। तो हाजरा के चैनल पर भी जाइएगा, क्योंकि बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं,
बेटी जो है वो हर रूप में रहमत है। रहमत जिस घर में बेटी है उस घर में रहमत का फरिश्ता रहता ही रहता है, ये बात आपने भी जानी। बेटियां अल्लाह उन पेरेंट्स को ही देता है जिनसे अल्लाह खुश होता है। तो रहमत जिस घर में है, समझे कि बस बेटियां जिस घर में है वहां पे रहमत ही रहमत है। तो हाजरा का साथ भी दीजिएगा। तो मुझे भी करने हैं बहुत सारे काम, मैं धो लेती हूँ बर्तन। बेटियां बस चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, हर तरह से वो घर को संभालती है, हर तरह से वो एक चीज को लेके चलती है। हर अल्लाह ने माँ के दिल में ये एक चीज ही ऐसी रख दी है, औरत को बना ही इस तरह दिया है कि उसके दिल में हर वक्त केयरिंग 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 ही होती है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, एक नेचुरल सी चीज ही है। तो चले मैं धो लेती हूँ बर्तन, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है, मैंने आपसे पता नहीं क्या चीज शेयर करनी थी जो अब कम्प्लीटली ना मेरे दिमाग से भूल चुकी है। इस तरह से आजकल मेरी कुछ कंडीशन हुई है कि बात करते 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 ही ना चीज को मैं भूल जाती हूँ, कि समझ ही नहीं आती कि कौन सी बात कर रही थी। तो ये शायद ओल्ड एज के रिएक्शन आ रहे हैं हमारी तरफ भी। तो चले बर्तन देखिए कितने हुए हुए हैं। लॉन्ड्री हो रही है, एक मशीन हो चुकी है जिसमें से आमन ने अपनी शर्टें निकाल के स्टैंड पे डाल दी, बाकी ड्रायर में दूसरी ऑन है और अभी एक और लगेगी। तो इसीलिए बास्केट यहाँ पे रखी, अब व्हाइट वाली रह गई है, ये लगेगी। कुछ ईमान अपने यूनि से लेके आई हुई है कपड़े, वो धुलेंगे। तो माशाल्लाह आज एक या दो मशीन और लगेगी, एक और दो कल भी लगेगी। तो बस इस तरह से काम जो है वो चलते रहेंगे। तो मैं साथ साथ में बर्तन धो लेती हूँ, अगर वो बात दिमाग में वापस आ गई तो आपसे कर लूंगी, नहीं तो बस आप अगर दिमाग में से खिसक गई है तो खिसक गई है। और आज पता मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना फ्लू, क्योंकि वेदर ऑनेस्टली काफी ज्यादा ठंड हुई है, और घर में किसी एक को हुआ हो तो फिर आपको पता ही है कि फिर बस समझो कोल्ड सर्दी हुई है तो फिर बस सबको ही होनी। तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज से बस अपना कुछ अपना इलाज जो है वो खुद करना पड़ेगा, कोई लैमसिप वगैरह पीना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं गई तो समझा कि सब कुछ ही गया। तो फिर इसलिए मैं अपने आप को बीमार अफोर्ड करना नहीं कर सकती, तो पैरासिटामोल खाती हूँ या भी थोड़ी देर बैठ के, तो या फिर लैमसिप पीऊंगी ताकि जो है थोड़ी तबीयत सेट ही रहे, अल्लाह खैर ही रखे। पर मुझे लग रहा है, शक हो रहा है कि कुछ असरात जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, जितनी देर में काम को खत्म करती हूँ उतनी देर में पता चल ही जाएगा। बस वीकेंड ऑफ है इस दफा, मेरा लॉन्ग वीकेंड ऑफ है, मंडे भी ऑफ है मेरा, क्योंकि हॉलीडेज कुछ रहते थे इस वजह से मैं जरा घर ही हूँ। तो बस अब घर हूँ तो फिर आपको पता है कई छोटे छोटे काम इकट्ठे हुए होते हैं, जैसे कल मेरा हसनैन मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, और हाँ सच बात याद आ गई। तो शादी की स्टोरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह शुरू करूंगी आज से, सेकंड वीडियो में आप लोगों से करूंगी बातें और बताऊंगी। सेकंड वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैसेज करके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लव मैरिज लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं दो ने बोला है अरेंज लग रही है, और सात आठ ने बोला है लव लग रही है। तो इंशाल्लाह ये राज आपके सामने जल्दी खोल दूंगी मैं, तो आज शुरू करूंगी इंशाल्लाह। तो बनाऊंगी वीडियो, सेकंड वीडियो का वेट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के साथ बात होगी। आज की वीडियो थोड़ी लेट होगी, लेट होने की वजह बस यही थी कि आज जो है इस वक्त वीडियो बना रही हूँ, नॉर्मली मेरी वीडियो रेडी होती है, तो लेकिन आज बस कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ बस अंदर बैठी रही इस वजह से। तो चले मैं बर्तन धो लेती हूँ उतनी देर में, मुझे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपसे लेती हूँ इजाजत, वीडियो का करती हूँ एंड, और दूसरी वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा और हाजरा को भी जाके देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मोर फैमिली, अल्लाह हाफिज।